नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो आइए चलिए सुनते हैं। देवी ने कहा, हे देवो, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्य प्रति मेरा स्तुति करेगा, उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधु कैटप का नाश, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के वध का पाठ वर्णन करेगा तथा अष्टमी नौमी चतुर्दशी के दिन महामृत्यु का फल स्थिरचित होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य पर दुष्कर्म जनित विपत्तियां भी नहीं आएंगी। उसके घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा और ना तो उसे कभी प्रियजनों से बिछोड़ का कष्ट सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों की शत्रु लुटेरे राजा शस्त्र अग्नि एवं जलात्मक भी नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को दित्तचित होकर मेरे इस महामृत्य के पाठ पठन एवं श्रवण मन करना निरंतर आवश्यक है और ये परम कल्याणकारक है। मेरा महामारी जनित सभी उपद्रव तथा दैहिक दैविक एवं भौतिक तापों का शमन करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महामृत्यु का पाठ होगा, उस स्थान पर मेरा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि पूजन हवन एवं महोत्सव के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा बलि या हवन आदि कर्म करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शारदीय नवरात्र में जो प्राणी मेरे इस महात्म्य को भक्ति भाव से सुनेगा, वह मेरे प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महात्म्य उत्पत्ति कथा तथा युद्ध संबंधित रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भीत रहित हो जाता है। मेरे महात्म्य को सुनने वाले व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उनका कल्याण होता है तथा उनके यहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म में, अशुभ स्वप्न दर्शन में तथा ग्रहों एक कुप्रभाव के फल स्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मेरे इस महात्म का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक होता है। ये महात्म्य बल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म्य से समग्र दुरात्माओं की शक्तियों का क्षय होता है। साथ ही इसके पाठ से दानव भूत तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुंचाने में मेरा यह महात्म्य एकमात्र साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु पुष्प धूप दीप गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होमादि कर्म करने, नित्य अभिषेक करने, विविध प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस पाठ के श्रवण करने से पापों का क्षय एवं आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणवान संपूर्ण प्राणियों का रक्षक तथा मेरा युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानों का विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही मानव भयमुक्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने तथा ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुतिगान हुआ है, वे सभी मांगलिक बुद्धि का ज्ञान कराती हैं।
वन में एकांत में दावगिनी की चपेट में पड़ने पर, वीरान स्थान में ठगों के जाल में फंस जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर, अथवा वन में सिंह वन हस्तियों का पीछा करने पर, राजाज्ञ के बंधन में बंधने तथा वध स्थल पर ले जाने समय, सामुद्रिक यात्रा में बवंडर के कारण जहाज के डगमगाने पर तथा भीषण युद्ध में शस्त्रघात से आघात होने पर, वेदना कुल होने पर, केवल इतना ही नहीं, समस्त भीषण आपदाओं के आने पर जो कोई इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रु आदि को भी मेरा स्मरण करने वाले के पास फटकने का साहस नहीं होता। ऋषि ने कहा। इतना कहने के बाद प्रबल पराक्रमी भगवती चंडिका वहीं सब देवगणों के सामने अंतर्निहित हो गई। सभी देवता शत्रु रहित होने से पहले की तरह निर्भीक होकर यज्ञांश का उपभोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों की बागडोर संभालने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ संहार के बाद बचे खुचे दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इसी प्रकार जग जननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करके संसार की रक्षा करती रहीं। वे ही इस विश्व को मुग्ध करती, जगत की उत्पत्ति करती और विनय पर करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं स्मृति प्रदान करती। हे राजन, वे महाकाली महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे महामारी रूप होती हैं और अजन्मा होकर भी वे स्वास्थ्य सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। समय अनुसार सनातनी देवी ही संपूर्ण जीवों की रक्षा करती हैं। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूपा होकर ग्रह में निवास करती हैं और दिन प्रतिदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर कराती हैं। जब मनुष्य की पतन अवस्था आती है तब वे दरिद्रता के रूप में विनाश का कारण बनती हैं। जो कोई पुष्प धूप गंध आदि से उनका विधवत पूजन करके गुणगान करता है उसे वे धन धान्य सदगति सद्बुद्धि तथा पुत्र आदि से परिपूर्ण करती हैं। आगे का अध्याय सुनने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।